दोस्तों आज की कहानी है बाबी जी आपने तो भैया को निर्वंश कर दिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया। ये लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपका हिस्सा जो मैंने बेटे के बाप होने के अहंकार में ले लिया था, आज आपका हिस्सा मैं वापस कर रहा हूँ। मैं विनू और सिनू को हमेशा बहुत समझता था, लेकिन अब समझ आया कि बेटियाँ नहीं नीटू जैसे नालायक बेटे बहुत होते, उसने धीरे धीरे हमको खोखला कर दिया है। इससे पहले कि वो हमें पूरी तरह से सड़क पर ले आए, आप अपना हिस्सा ले लीजिए। अमित ने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकिता के सामने रख दिए और आंखों में प्रस्ताव लिए खड़ा था। निकिता ने पेपर्स अमित के हाथ पर रखते हुए कहा, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकती क्योंकि इस पर आपका ही हक है। आपने माँ और पिताजी की सेवा उनकी अंतिम व्रास तक की, इसलिए इस पर आपका ही हक है। वैसे भी माँ की यही इच्छा थी कि प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी जो घर का वारिस देगा और उनके वंश को आगे ले जाएगा। माँ की इच्छा का मान रखते हुए ही मैंने और आपके भैया ने खुशी से प्रॉपर्टी से अपना हक छोड़ दिया था। भाभी आप सचमुच बहुत मान हैं, मैंने और नीरा ने कोई मौका नहीं छोड़ा था जब आपको इस बात का ताना नहीं दिया कि आपने भैया को निर्वंश कर दिया। आपकी दोनों बेटियां आज आपका मान बढ़ा रही और मेरा बेटा अपनी दुनिया में ऐसा खोया है कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं कि अपनी माँ का इलाज करा सके। आज अगर आपने अपमान न दिखाया होता तो नीरा को दूसरी जिंदगी कभी नहीं मिलती। आपका ये असामयिक शख्स है वो हमारे ऊपर जो मैं इस जन्म में कभी नहीं उतार पाऊंगा, बस छोटी सी कोशिश की है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। अमित ने हाथ जोड़ दिए। अमित और नीरा को आज ही सालत में देखकर उसे अपना अतिथि याद आने लगा। बेटे की माँ बनकर देवरानी नीरा में अहंकार आ चुका था। किसी न किसी बहाने वो अपनी जेठानी निकिता को एक भी मौका नहीं छोड़ती तंज कसने में। बेटे की ठसक इस तरह उसके दिल और दिमाग में भर चुकी थी कि अब वह कभी भी और कहीं भी निकिता को कुछ बोल देती थी और इस सब में उसकी सास रहना जी हमेशा नीरा का ही पक्ष लेती थी। घर की एकता और शांति के लिए निकिता सुख ही रहती, उसे पति सुमित का साथ था इसलिए भी निकिता कुछ नहीं कहती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन निकिता की बड़ी बेटी विनू रोते हुए उसके पास कि दादाजी सिंटू देवरानी का बड़ा बेटा के लिए नई साइकिल लाए हैं, वो भी साइकिल सरा कर देख रही थी तो पीछे से सिंटू आया और उसने साइकिल को धक्का मार दिया। नीतू साइकिल संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। उसे उठाने के बजाय सिंटू उसे देखकर हंसने लगा। विनू ने पास ही खड़े दादा की तरफ देखा और सिंटू की शिकायत की तो उन्होंने विनू को ही डांट दिया। रोती हुई विनू से सब सुनने के बाद निकिता ने फैसला कर लिया कि अब एक साथ एक सत के नीचे नहीं रह सकती। उसने सुमित को सब बताया और कहा परिवार की सुख शांति के लिए और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए यही अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाए वरना बेटियां खिलने की जगह मुरझाने लगेगी। सुमित ने निकिता की बात का समर्थन किया और घर से अलग होने का फैसला कर सुमित और निकिता के फैसले को सुनने के बाद रैना जी ने साफ कह दिया, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ लेकिन घर में हिस्सा नहीं मिलेगा, ये हक सिर्फ अमित और उसके लड़कों का है।
निकिता और सुमित ने उनकी बात मान ली और शहर ही बदल दिया। शहर आकर सुमित को दोस्त की मदद से नौकरी ढूंढ ली और निकिता घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। शुरू शुरू में निकिता और सुमित बच्चों को लेकर घर जाते थे, लेकिन उन लोगों का बेगानों जैसा व्यवहार देखकर सुमित ने ही जाना बंद कर दिया। समय की गति भी आगे तेजी से बढ़ने लगी और निकिता की बेटी आज अच्छे से अपनी नौकरी और गृहस्थी में लग गई। सास ससुर भी दुनिया छोड़ गए और जाने से पहले अपनी पोतियों को आशीर्वाद जरूर दे गए, क्योंकि उनके प्यारे सिंटू ने अपनी आवारा हरकतों से उनके नाम और खानदान पर सिर्फ कलंक ही लगाया। लोग जब उन्हें विनू और सीनू की कामयाबी पर बधाई देते तो कहीं ना कहीं उनके मन खुश हो जाते थे, लेकिन हमें कभी भी खुलकर सामने से आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ दिन पहले अमित का फोन आया कि नीरा को किडनी में स्टोन ऑपरेशन करवाना है। निकिता ने तुरंत नीरा और अमित को बुला लिया और अच्छे से नीरा की देखभाल की। निकिता की निस्वार्थ सेवा देकर नीरा और अमित अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शर्म और जेब से और घट गए जब विनू और सीनू ने भी न सिर्फ नीरा का हाल साल पूछा बल्कि ऑपरेशन के समय दोनों मौजूद भी थी। वहीं उनका बेटा सिंधु अपनी दुनिया में दोस्तों के साथ मस्त था। उसने एक बार भी नीरा से न फोन पर हाल साल पूछा और न ही मिलने आया। जल्दी ही नीरा ठीक होने लगी और फिर अमित ने फैसला लिया और नीरा ने भी अपनी गलती को सुधारने के लिए अमित की बात का समर्थन किया। अमित घर गया और सुमित के हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाकर ले आया और निकिता को देने लगा। अमित ये पेपर्स वापस ले लो वरना मुझे लगेगा कि तुम हमारे प्यार को इन प्रॉपर्टी से बदल रहे हो। तुम्हारी दोनों भतीजी सुखी हैं और फिर उम्र के इस पड़ाव में प्रॉपर्टी लेकर क्या करूँगा। माँ पिताजी ने तुम्हें दिया है इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। अगर तुझे कुछ देना ही है तो मुझे मेरा छोटा भाई लौटा दो जो जाने कितने वर्षों से कहीं गुम हो गया। बोलते बोलते सुमित की आवाज़ भारी हो गई और आंखें सलग गई। भाई की बात सुन अमित बच्चे की तरह रो पड़ा और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। आज सभी गीले शिकवे दूर हो गए।